हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस टीचर आरती मिश्रा. एंड इन दिस डे वीडियो वी हैव डिस्कस्ड रेस्ट एंड मोशन, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. एंड इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आर प्रेजेंट. सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन मूव्स स्ट्रेट अलॉन्ग इट्स ट्रैक. जैसे ट्रेन क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है अपने ट्रैक पर. आफ्टर रोटेट्स, अ फैन रोटेट्स, अपनी ही पोजीशन पे फैन रोटेट करता है, लेकिन वो कैसे रिवॉल्व करता है, बिल्कुल सर्कुलर वे में रोटेट करता है. एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. सब लोग अलग अलग तरीके का मोशन कर रहे हैं. सो देयर कैन बी मेनी सच मोर एग्जाम्पल्स. दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, क्लास कैन बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग टाइप्स. हम ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स को देख के समझ सकते हैं कि मोशन बहुत टाइप के होते हैं. सो फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, सेवेंथ नॉन पीरियोडिक मोशन. सो फ्रॉम वन बाय वन वी विल डिस्कस क्लियरली विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट इज स्टार्टिंग विद द ट्रांसलेटरी मोशन. सो व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? If an object like a vehicle की तरह कोई object है, moves in a line, जैसे वो एक line की तरह move करे, जैसे ये line की तरह है, बिल्कुल एक line में movement हो, in such a way that every point of the objects move through the same distance in the same time. यानी ये बताता है कि जो उसका एक एक point होगा उस object का, वो same distance से इन द टाइम सेम टाइमिंग में मूव होना चाहिए. सो देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन. तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू साइकिल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, हियर एज शोन, आप देख रहे हैं ना डायग्राम में, द फ्रंट व्हील मूव्स फ्रॉम ए टू ए डैश. ए वाली फ्रंट व्हील कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ए से ए डैश तक. और बैक व्हील कहां से पहुंच गई, बी से बी डैश तक. देन साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम डी सी टू सी, एंड द साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम, जैसे जैसे हैंडल मूव करेगी सी से सी डैश तक, वैसे ही साइक्लिस्ट कहां मूव करेगा, डी से डी डैश तक. सच ऑल द डिस्टेंसेस ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश. हेयर दिस वन इज बी ए, बी डैश ए डैश, हेयर सी डी, फोर पोजीशंस है. तो जैसे ही आप ए से, आपका फ्रंट व्हील ए से ए डैश पहुंचा, बैक व्हील बी बी से बी डैश, आप से देख सकते हैं कि सी का हैंडल सी डैश पर है और डी वाला हैंडल डी डैश पर है. साइक्लिस्ट मूव करे डी डैश तक. तो आप देख सकते हैं कि दस मोशन ऑफ साइकिल इज इन ट्रांसलेटरी मोशन. मतलब एक एक पॉइंट उनका सेम पॉइंट पर है. सो इस तरीके के जो मोशंस होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन. वन मोर एग्जांपल इज देयर, द मोशन ऑन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. जैसे एप्पल क्या होता है, वो नीचे गिरता है, फॉल करता है ट्री से. सो द मोशन ऑफ अ मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड रोड एंड द मोशन ऑफ अ बॉक्स व्हेन पुश्ड फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ रूम टू द अदर, वी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे हम एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, या फिर पेड़ से एप्पल का गिरना, वो एक उसी सेम पॉइंट से करते हुए वो नीचे ग्राउंड पर आएगा. सो दीज टाइप्स ऑफ मोशन आर नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन. सेकेंड इज ट्रांसलेटरी मोशन को भी हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, एंड सेकेंड वन इज कर्व लीनियर मोशन या कर्वी लीनियर मोशन. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन. इफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई मोशन किस में होगा, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन. तब हम उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन. एग्जाम्पल, अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट स्ट्रेट टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अ कार मूव्स अ स्ट्रेट रोड एंड अ कॉइन मूव्स ओवर अ कैरम बोर्ड एज शोन. जैसे अ बॉल क्या हुआ, हमने देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ कर्वी लीनियर मोशन. अ कार मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, अ साइक्लिस्ट टेकिंग अ टर्न ऑन द रोड.
जैसे हम कहीं से टर्न होते हैं बिल्कुल इस तरीके से एक रोटेशन टाइप का लेते हैं, मतलब सर्कुलर होगा तो उसको क्या कह देंगे, कर्वी लीनियर मोशन। लेकिन अगर बिल्कुल इस तरीके से हमने बॉल को क्या किया, ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो बिल्कुल सीधे ही स्ट्रेट डायरेक्शन में वो नीचे आ रहा, बॉल ड्रॉप्स अ बॉल विच इज कमिंग डाउनवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट वन बाय वन पॉइंट उसके एक ही सेम लाइन डायरेक्शन में। और ऐसे ही कार अगर किसी स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मूव। जैसे आपने देखा कि ये कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड की जो कैरम की जो कॉइन्स होती हैं वो अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी एक पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप उसको हिट करते हैं किसी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हिट करेंगे तो ये भी जिस पॉइंट से आगे वाली जाएगी उसी पॉइंट से ये भी, तो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन मूव करेगी। जो भी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते हैं उनको क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। Some other examples of rectilinear motion are the motion of a bullet fired from a gun up to some distance. जैसे बुलेट की गन को फायर, बुलेट गन से बुलेट निकलती है जब, तो कुछ दूर तक वो किस टाइप का मोशन करती है, रेक्टिलिनियर, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स आपने देखा होगा परेड में, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर देखेंगे तो वो भी बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन शो करते हैं। अ ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक्स, जब ट्रेन रन करती है एक स्ट्रेट ट्रैक पे तो वो भी किस तरीके का मोशन शो करती है, रेक्टिलिनियर मोशन का। सेकंड है कर्वी लीनियर मोशन। इफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज अलोंग अ कर्व्ड पाथ, जब भी किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग में मूव करेंगे तो उसको कहेंगे कर्वी लीनियर मोशन। आप इस सारी पिक्चर्स में देख सकते हैं सभी कर्व टाइप में, जब भी किसी टर्न पे आके चाहे कार हो चाहे बाइसाइकिल हो चाहे मोटर बाइक हो, कोई भी अगर टर्न्स आते हैं एक रोड से दूसरी साइड की रोड पे टर्न करने के लिए, आप इस तरीके से टर्न्स जो लेंगे उस पे अगर टर्न्स से मूव करेंगे तो बिल्कुल कर्व की तरह से मूव करना पड़ेगा आपको, और वही जो आपका कर्व का टाइप का मूवमेंट होता है उसी को कहते हैं कर्वी लीनियर मोशन। जिस इस बच्चे ने देखो छत से टेरेस से क्या किया, बॉल को फेंका, अगर वो बच्चा सीधे नीचे फेंक देता तो बिल्कुल वो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता, लेकिन ये हल्का सा कर्व बन जा रहा है इसीलिए ये कर्वी लीनियर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, कार मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ एंड अ बॉल थ्रोन बाय एन एथलीट आर इन द कर्वी लीनियर मोशन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कर्वी लीनियर मोशन। सेकेंड है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन इज सेड टू बी अ रोटेटरी मोशन इफ इट इज मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अगर कोई बॉडी रोटेटरी मोशन तब कहलाएगी जब अपनी एक फिक्स्ड पोजिशन पे रहते हुए भी वो रोटेट करे। फॉर एग्जाम्पल द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, द स्पिनिंग टॉप, अ स्पिनिंग व्हील और अ पॉटर्स व्हील, अ मेरी गो राउंड रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जैसे ये स्पिनिंग टॉप है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ये स्पिनिंग व्हील है, अपनी ही एक्सिस पे पूरा रोटेट होती है, ये पॉटर्स व्हील है, या इसकी एक्सिस यहाँ पर फिक्स होती है और इस पूरे इस पे यहाँ पर रोटेट होती है, ये फैन, फैन का ये बीच वाला हिस्सा फिक्स होता है और ये पूरा सर रोटेट होता रहता है। चाहे अर्थ की बात करें तो अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है तो वो भी रोटेटरी एक्शंस को ही परफॉर्म करता है। मैरी गो राउंड एक झूला होता है, वो भी अपनी एक जगह पे फिक्स होता है और उस पे वो भी बिल्कुल रोटेट होता रहता है। सो इस तरीके का मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन, जब एक जगह पे फिक्स होके अपनी ही उतनी ही जगह पे वो रोटेट होता रहे। अ रोटेटरी मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेटरी मोशन। सो हमने देखा कि रोटेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन से डिफरेंट है, बिकॉज इन रोटेटरी मोशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस। आपने देखा कि उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस अलग अलग जगह पे मूव करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही टाइम पे, बट द पार्ट ऑफ द बॉडी नियर द एक्सिस रोटेशन ट्रेवल्स अ स्मॉलर डिस्टेंस देन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो इसके नियर एक्सिस होती है रोटेशन के, ये उतने ही डिस्टेंस में ट्रेवल करती है। थर्ड है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी मोशन होगा अलोंग अ सर्कुलर पाथ पे अगर मूव हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक स्पेशल टाइप का कर्वी लीनियर मोशन है इन विच डिस्टेंस इज मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट चेंज, कॉल्ड द सेंटर, मतलब सेंटर फिक्स्ड हो और वो पूरा मूव कर सके। जस्ट लाइक अ गर्ल इज वर्लिंग अ स्टोन, एक थ्रेड में उसने स्टोन बांध रखा और उसको हैंड ऊपर करके बिल्कुल रोटेट कर रही है। सो फ्रॉम एग्जांपल अ गर्ल वर्लिंग
अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ कहलाएगा. द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर आर द मोशन ऑफ अ कार अराउंड अ सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन. इट मीन्स जो मोशन ऑफ बॉडी होगा वो बिल्कुल ही सर्कल की तरह होगा, तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन. ये आप देख सकते हैं, द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, द मून मूविंग अराउंड द अर्थ. तो जो मोशन हो रहा है वो बिल्कुल सर्कल में हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन. सम फैक्ट्स आर देयर. इन रोटेटरी मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस फ्रॉम अ पॉइंट इन द बॉडी इटसेल्फ वेयर इज इन द सर्कुलर मोशन. ये हमें ये पता लगा इससे कि रोटेटरी मोशन में जो एक्सिस होगी रोटेशन की वो फ्रॉम अ पॉइंट इन द बॉडी इटसेल्फ, वो फ्रॉम अ पॉइंट इन द बॉडी इटसेल्फ वेयर इज इन अ सर्कुलर मोशन. आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बॉडी उसी सर्कल पे पास करेगा, लेकिन जो रोटेटरी मोशन है उसकी एक्सिस फिक्स्ड है और वो मोशन बिल्कुल भी अपने जिस पॉइंट पे मूव करना है उसी पॉइंट पे मूव करेगा. सो दस मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन, वेयर इज द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ सर्कुलर मोशन, वेयर इज द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज रोटेशनल मोशन. आपको ये पता होना चाहिए जब अपनी ही एक्सिस पे एक ही जगह पे फिक्स होके रोटेट करना होगा तो उसको हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन, सॉरी रोटेटरी मोशन. और जब वो चेंज करेगा अपनी प्लेस को तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन. सो इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. यानी सेंटर से दोनों ही सेंटर से डिस्टेंस उनका इक्वल रहता है. इन सर्कुलर रोटेटरी मोशन में डिस्टेंस एक पॉइंट से इनका जो ये पॉइंट होता है ये फिक्स्ड होता है, ऑलवेज रिमेन्स द सेम, वेयर इज इट इज नॉट सेम इन अ कर्वीलिनियर, जबकि ये कर्वीलिनियर मोशन में सेम नहीं होता. द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कम्प्लीट अ सर्कुलर मोशन, को कम्प्लीट करने में 365 डेज लगता है, जबकि सन को मून के पूरे करने कम्प्लीट करने में 27.3 डेज कम्प्लीट लगता है सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने में अराउंड द अर्थ. सो द सर्कुलर मोशन इज दस पीरियोडिक एंड रेपिटेटिव. सर्कुलर मोशन पीरियोडिक और रेपिटेटिव दोनों होता है. फोर्थ इज वाइब्रेटरी मोशन. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन और मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या कहता है, ट्रू एंड फ्रो, इट मीन्स एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, तो इसको कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन. द मोशन ऑफ अ पेंडुलम आप देख सकते हैं कि जब किसी का थोड़ा आगे जाना फिर टू एंड फ्रो, इसी को कहते हैं बैक एंड फोर्थ. तो द मोशन ऑसिलेटरी मोशन एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक एंड द मोशन ऑफ अ स्विंग रिप्रेजेंट ऑसिलेटरी मोशन. एक बार आगे एक बार पीछे, ये किस तरीके का मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन. इन दिस मोशन द बॉब ऑफ पेंडुलम फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन ओ, रेस्ट पोजिशन ये है इसकी, यहाँ से मूव करके ए पे जाएगा फिर यहाँ से डायरेक्टली बी, बिकम्स बैक टू द रेस्ट पोजिशन एंड देन मूव्स टू द साइड बी एंड देन अगेन बैक टू द रेस्ट पोजिशन. इट मीन्स इट इज कम्प्लीटिंग वन सर्कल होल फ्रॉम ओ, इट गोज बी ओ टू ए, ए टू ओ देयर एंड देन इट ओ टू ए, ए टू ओ, ओ टू बी एंड बी टू ओ. दिस इज द कम्प्लीट ऑसिलेटरी, वन कम्प्लीट ऑसिलेशन. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड. सिंस ऑसिलेटरी मोशन इज रिपीटेटिव एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पीरियोडिक मोशन. तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं, एक रेगुलर, ये जो है बिल्कुल ही पीरियोडिक मोशन भी है और रिपीटेटिव भी है. आई होप दैट यू विल क्लियर द ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें ट्रू टू एंड फ्रो मोशन होगा. सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होंगे, वो एक फिक्स पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल रोटेट होता रहेंगे, यानी जो फिक्स पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर. ऐसे ही हमने पढ़ा था रोटेटरी मोशन, जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पे फिक्स होगा वहीं से रोटेट करेगा. कर्वीलिनियर मोशन जो कर्व जैसा मोशन बनाएगा, जो कर्व शेप में मोशन परफॉर्म होगा. रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट वे पे चलेगा.
और एक पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव करेगा सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम पे। सो आई होप दैट यू विल क्लियर दीज पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।